हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जस्ट फॉर स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जो असिस्टेंट केमिस्ट का एग्ज़ाम हुआ था 16 दिसंबर को, तो उसका हम HBG के पोर्शन देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन रहता था वो रहता था द मेजोलिथिक एज कंटिन्यूड अप टू अबाउट, तो जो मध्य पाषाण युग कब तक चालू रहा, इसमें बात की गई कब तक रहा। तो जो इसकी जो टाइम पीरियड माना जाता है मेजोलिथिक एज का, वो माना जाता है 9000 से 4000 BC तक, तो ये 4000 BC तक रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द लेटर वैदिक पीरियड विच ऑफ द फॉलोइंग वर इम्पोर्टेंट किंगडम्स, तो उत्तर वैदिक काल में कौन से महत्वपूर्ण राज्य थे। तो जो उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड रहता था वो रहता था 1000 BC टू 600 BC। तो उस टाइम जो है कुरु और पंचाल जो थे वो महत्वपूर्ण राज्य थे। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है द इम्पोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनरीज इन द मॉडर्न एज वर नोन एज, तो मौर्य युग में महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्यकर्ता किस नाम से जाने जाते थे, तो वे तीर्थराज के नाम से जाने जाते थे। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। विच वॉज द सेक्शन ऑफ मुस्लिम नोबिलिटी दैट केप्ट स्ट्रिक्टली अलूप फ्रॉम द हिंदूज, तो कौन सा मुस्लिम कुलीन वर्ग था जो हमेशा हिंदुओं से पूर्ण रूप से अलग रहा, तो कौन था, उलेमा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है द लैंड रेवेन्यू इन मुगल इंडिया वाज, तो मुगल भारत में भू राजस्व क्या था, तो इसमें जो है वो शेयर इन द प्रोड्यूस सही आंसर रहता है। तो मुगल काल में जो दशाला सिस्टम चलाया था टोडरमल ने, वो भी बड़ा फेमस था। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग रिवाइव्ड द फ्यूडल सिस्टम आफ्टर शिवाजी, तो शिवाजी के बाद किसने सामंती व्यवस्था पुनर्जीवित की थी, तो किसने की थी, राजा राम ने की थी, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हु एबॉलिश द ड्यूअल सिस्टम सेटअप बाई रॉबर्ट क्लाइव, तो रॉबर्ट क्लाइव द्वारा स्थापित की गई द्वैध व्यवस्था को किसने हटाया, तो किसने हटाया, वॉरेन हस्टिंग्स ने हटाया, कब, 1732 ईस्वी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ 1857 रिवॉल्ट इन राजस्थान वाज, तो 1857 विद्रोह का महत्वपूर्ण केंद्र राजस्थान में कौन सा था, तो कौन सा था, कोटा। एल्पाइन हिमालयन चेन वाज फॉर्म्ड इन, एल्पाइन हिमालयन श्रृंखला कब निर्मित हुई थी, तो इसका जो सही आंसर था वो है ओलिगोसिन इपोच, यानी कि ओलिगोसिन युग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोल एंड लाइमस्टोन आर एग्जांपल ऑफ, कोयला और चूने का पत्थर किसके उदाहरण है, ये सेडिमेंट्री रॉक्स के उदाहरण है, यानी कि अवसादी चट्टान। कन्वेक्शनल टाइप ऑफ रेनफॉल कॉमनली अकर्स इन, तो संवहनी प्रकार की वर्षा आमतौर पर कहाँ रहती है, तो ये कहाँ होती है, ये इक्वेटोरियल रीजन होती है, जहाँ जो है वो मैक्सिमम सनलाइट पड़ती है। तो कन्वेक्शन जो रेनफॉल का जो कारण रहता है वो रहता है जो लैंड जो है वो वार्म हो जाती है और जो एयर जो है वो राइज हो जाती है, और राइज होने के साथ साथ ये एक्सपेंड भी हो जाती है, फिर कूल और कंडेंस होकर जो है वो रेन फॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाई टाइड्स आर कॉज्ड एट द टाइम ऑफ, तो किस समय उच्च ज्वार होते हैं, तो ये दोनों फुल मून और न्यू मून के टाइम पर होते हैं, तो ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ डीफॉरेस्टेशन, डीफॉरेस्टेशन यानी कि रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट का इसमें कौन सा कारक नहीं है, तो फॉरेस्ट फायर जो है वो डीफॉरेस्टेशन का कारण है, मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स भी है, तो इसमें जो सही आंसर रहता है वो है अर्थक्वेक्स जो है वो डीफॉरेस्टेशन का कारण नहीं है, कारक नहीं है। नेक्स्ट है करीबा डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर, तो करीबा बांध किस नदी पर स्थित है, ये जम्बेजी रिवर पर है, ये जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में है। नेक्स्ट है द क्वीन ऑफ हिमालयाज इज, हिमालय की रानी किसे कहा जाता है, तो कंचनजंगा माउंटेन्स को हिमालय की रानी कहा जाता है, इसकी जो हाइट है वो 8586 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स एम्प्टीज इटसेल्फ इनटू द अरबियन सी, तो निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है, तो जो नर्मदा नदी है वो अरब सागर में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज टिपिकली, तो भारत की जलवायु आमतौर पर जो है वो ट्रॉपिकल मानसून है, यानी कि उष्णकटिबंधीय मानसून। नेक्स्ट है द फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल वाज स्टार्टेड एट, तो प्रथम सूती कपड़े की मिल शुरू हुई थी, तो ये फोर्ट ग्लासर कोलकाता में शुरू हुई थी 1818 में। द पावरफुल एंटी कोगुलेंट हेपेरिन इज सिंथेसाइज्ड इन, तो शक्तिशाली प्रतिस्पर्धक हेपेरिन कहाँ संश्लेषित होता है, तो ये लीवर यानी कि यकृत में सिंथेसाइज होता है। नेक्स्ट है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज, तो तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई कौन सी है, तो इसका सही आंसर है न्यूरॉन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्टेजियस डिजीज, तो निम्न में से कौन सा संक्रामक रोग है, तो जो
ठीक है रहता है, वो संक्रामक रोग है। और जो बाकी के जो तीन ऑप्शन है, बेरी बेरी, पिलागरा और स्कर्वी, ये डेफिशिएंसी डिजीज़ है। नेक्स्ट है पेपर इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ, पेपर जो प्रोडक्ट रहता है वो सेल्युलोज का प्रोडक्ट है, तो इसका ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, तो निम्न में से कौन सा संवैधानिक सरकार से संबंधित नहीं है, तो हायरार्की गवर्नमेंट ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर है, यानी कि पदानुक्रम सरकार। नेक्स्ट है द एनफोर्समेंट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डिपेंड्स मोस्टली ऑन, तो राज्यों के नीति निर्देश सिद्धांत का प्रवर्तन अधिकतर निर्भर करता है, तो DPSP जो रहते हैं वो आर्टिकल 36-251 तक रहते हैं, तो इसका सही आंसर है रिसोर्सेज अवेलेबल टू द गवर्नमेंट, तो सरकार के पास उपलब्ध संसाधन, अगर सरकार के पास उपलब्ध संसाधन है तो वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, तो निम्न में से कौन सी प्रधानमंत्री की शक्ति नहीं है, नहीं की बात करें तो प्रधानमंत्री जो है वो लोकसभा के स्पीकर को अपॉइंट नहीं करता है, प्रधानमंत्री जो है वो गवर्नमेंट का हेड होता है, प्रेसिडेंट को एडवाइस करता है और रिकमेंड भी करता है मिनिस्टर के नाम अपॉइंटमेंट के लिए, तो जो लोकसभा की स्पीकर की जो नियुक्ति होती है वो चुनाव के द्वारा होती है, लोकसभा के जो मेंबर्स के द्वारा। नेक्स्ट है इफ़ एनी क्वेश्चन अराइजेज वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट हुज डिसीजन शैल बी फाइनल, जब कभी भी प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो इसका अंतिम जो निर्णय माना जाता है वो माना जाता है द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, तो लोकसभा स्पीकर इसका निर्णय करता है। नेक्स्ट है द सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ द जजेज ऑफ द हाई कोर्ट आज चार्जेज टू द, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किस में से प्रभारित किए जाते हैं, तो ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट्स जो राज्यों की समेकित निधि से दिए जाते हैं। अ ग्रोइंग कंट्री इज वन विद, तो विकासमान देश वो है जिसकी जो है वो राइजिंग GNP है एट कॉन्स्टेंट प्राइस, स्थिर कीमतों पर बढ़ती GNP। नेक्स्ट है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अंत्योदय प्रोग्राम इज टू, तो अंत्योदय प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य है, तो अंत्योदय प्रोग्राम जो है वो 2025 दिसंबर को स्टार्ट किया था अटल बिहारी वाजपेयी ने, तो उसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था अपलिफ्ट द पुअर यानी कि गरीबों का उत्थान, इसमें जो था वो सब्सिडाइज फूड देना था पुअर पीपल्स को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स वाज डन विद द पर्पज ऑफ, तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस हेतु से हुआ था, तो किस इसका जो उद्देश्य था वो था कंसोलिडेटिंग द इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था की मजबूती। नेक्स्ट है द टर्म ग्रीन रेवोल्यूशन वाज कॉइंड बाय, हरित क्रांति शब्द किसने दिया, तो इसमें पूछा कि किसने दिया, तो ये शब्द जो दिया है कॉइन किया वो किया है डॉक्टर विलियम गॉड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहता है वो रहता है इफ द सेकेंड हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर देन फाइंड द 50th लेटर फ्रॉम द राइट, तो यदि अंग्रेजी वर्णमाला का दूसरा अर्धक्रम उल्टे क्रम में लिखा जाए तो दाईं ओर से 15 वर्ण ज्ञात कीजिए, तो अंग्रेजी वर्णमाला में जो है 26 अल्फाबेट है, तो अगर हम जो लास्ट के जो 13 है उनको अपोजिट लिखे तो जो राइट से जो 50th जो आता है वो आता है एल, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। इन अ कोडेड लैंग्वेज ब्रिंजल इज रिटन एज LAJNIRB, इसमें जो है वो ब्रिंजल जो है वो अपोजिट वर्ड में लिखा है, तो हाउ विल लेडी फिंगर बी रिटन इन दैट कोड, तो लेडी फिंगर भी अपोजिट वर्ड में है, तो ऑप्शन सी जो है ये इसका सही आंसर रहता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट ए वॉक्स 30 किलोमीटर ईस्ट देन टर्न टू हिज लेफ्ट ही मूव 30 किलोमीटर, आफ्टर दिस ही अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड मूव 3 किलोमीटर, इन विच डायरेक्शन इज ए फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट की बात करें तो स्टार्टिंग पॉइंट से जो है वो नॉर्थ की तरफ है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट एनिमल ऑफ HP, हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु कौन है, तो स्नो लेपर्ड यानी कि बर्फीला चीता। मलाना वैली इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP, मलाना घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है, ये कुल्लू में है। लूनी रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, निम्न में से किसकी सहायक नदी लूनी है, तो ये व्यास की सहायक नदी है। नेक्स्ट है बैरासिउल डैम इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बैरासिउल बांध स्थित है, तो ये चंबा जिले में है। ये बैरासिउल खड़पर है जो कि रावी नदी की सहायक नदी है। दियोसिद टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में दियोसिद मंदिर स्थित है, तो दियोसिद सिद्ध श्री बाबा बालकनाथ जी का मंदिर जो है वो हमीरपुर जिले में है। द डांस फॉर्म ऑफ डंडराज इज परफॉर्म्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स ऑफ HP, हिमाचल प्रदेश की किस जनजाति द्वारा डंडरास नृत्य किया जाता है, तो ये गद्दी जो जनजाति है उसको द्वारा
किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुमन साइंटिस्ट हैज वॉन द 2018 नोबल प्राइज इन केमिस्ट्री। पूछा गया कि निम्न में से किस महिला वैज्ञानिक ने रसायन शास्त्र में 2018 का नोबल पारितोषिक प्राप्त किया है। तो 2018 का जो केमिस्ट्री में जो नोबल प्राइज़ दिया गया वो 3 लोगों को दिया गया। तो उसमें जो वुमन थी वो थी फ्रांसिस एच आर्नोल्ड, और बाकी जो 2 लोग थे वो थे जॉर्ज स्मिथ और ग्रेग विंटर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डोम हैज़ रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन विच कंट्री। तो किस देश में विश्व के सबसे बड़े डोम का हाल ही में उद्घाटन किया गया। तो ये इंडिया में किया गया, पुणे में। नेक्स्ट है इंडियाज़ टॉलेस्ट नेशनल फ्लैग फ्रॉम द एवरेज सिटी एलिवेशन हैज़ रिसेंटली इंस्टॉल्ड इन विच सिटी। तो भारत का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज औसत शहर की ऊंचाई से किस शहर में स्थापित किया गया। तो ये गुवाहाटी में स्थापित किया गया। नेक्स्ट है महात्मा गांधी इंटरनेशनल सैनिटेशन कन्वेंशन हैज़ रिसेंटली कंक्लूडेड इन विच सिटी। तो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय सैनिटेशन कन्वेंशन हाल ही में कहाँ संपन्न हुई। तो ये न्यू दिल्ली में संपन्न हुई। मीनिंग ऑफ द idiom टिप ऑफ द आइसबर्ग इज। तो इसका जो अर्थ रहता है, मतलब रहता है idiom का, वो रहता है ओनली द beginning ऑफ अ मच लार्जर डायमेंशन। नेक्स्ट है synonym ऑफ द वर्ड ameliorate इज। तो ameliorate का जो मतलब है वो है सुधारना। तो इसका जो synonym रहता है वो रहता है improve। नेक्स्ट है द डॉक्टर्स हैव कॉल्ड फॉर अ टोटल अब्सिस्टेंस फ्रॉम एल्कोहल। तो ऑप्शन बी सही आंसर है, शुद्ध शब्द है। तो ऑप्शन ए साप्ताहिक जो है वो शुद्ध शब्द है। इसमें नेक्स्ट दिया है स्वर वर्ण का उच्चारण स्थान है। तो इसका उच्चारण स्थान जो है वो कंठ है। अग्नि का जो पर्यायवाची रहता है वो रहता है अनल। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।